शहीद की तरह हुआ जवान नंदू सिंह का अंतिम संस्कार। चार घंटे रास्ता जाम करने के बाद सारी बातें हुई साफ। शहीद का दर्जा देने समेत कई मांगों को लेकर किया था जाम, लेकिन सेना के अधिकारियों ने किया साफ, परिवार को पूरी सहायता देगी सेना, केंद्र और राज्य सरकार। करीब 90 लाख रुपए की सहायता मिलेगी परिवार को। इसके बाद तिरंगा यात्रा के साथ सियालू कला गांव ले जाई गई पार्थिव देह। भारत माता की जय और नंदू सिंह अमर रहे के नारे गूंजे। झुंझुनू के सूरजगढ़ के समीप सियालू कला गांव में आज गांव के लाडले भारतीय सेना के गोला बारूद डिपो में सेवारत जवान नंदू सिंह को नम आंखों से विदाई दी। नंदू सिंह को एक शहीद की तरह अंतिम विदाई दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा तिरंगा रैली लेकर शामिल हुए और भारत माँ की जय और नंदू सिंह अमर रहे के नारे लगाए। नंदू सिंह की अंतिम यात्रा से पहले करीब चार घंटे तक विवाद भी चला, जिसके चलते घरडू चौराहे पर परिवार जन ग्रामीणों ने सीकर लोहारू स्टेट हाईवे को जाम रखा। दरअसल ग्रामीण नंदू सिंह की पार्थिव देह आर्मी के वाहन की बजाय एक साधारण एम्बुलेंस में लाने, नंदू सिंह की पार्थिव देह पर तिरंगा ना होने, नंदू सिंह को शहीद का दर्जा देने तथा नंदू सिंह पर हादसे को लेकर लेह लद्दाख में कथित एक एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर आक्रोशित हो गए और जाम लगा दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन और आर्मी के अधिकारियों ने एक एक कर सभी डिमांड पर ग्रामीणों की शंकाओं को साफ किया। उन्होंने बताया कि जो एफआईआर लेह लद्दाख में हादसे को लेकर दर्ज हुई है वो नंदू सिंह पर नहीं है, बल्कि एक साधारण रिपोर्ट है जो उस हादसे को लेकर दर्ज करवाई गई है। वहीं नंदू सिंह के परिवार को न केवल आर्मी बल्कि केंद्र और राज्य सरकार से करीब 90 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। वहीं नंदू सिंह वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जिनका सम्मान पूरी आर्मी और हर व्यक्ति करता है। इस स्थिति को साफ होने के बाद नंदू सिंह की पार्थिव देह उनके गाँव सियालू कला ले जाई गई, जहां पर गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन मामडिया, भाजपा नेता राजेश दहिया, विकास बालोठिया, सूरजगढ़ प्रधान बलवान सिंह, सूरजगढ़ एसडीएम दयानंद रुयल, चिड़ावा डिप्टी एसपी विकास धींदवाल, एबीवीपी के विभाग संगठन मंत्री शमशेर सिंह चौहान समेत अन्य जनप्रतिनिधियों अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि सियालू कला निवासी नंदू सिंह 30 मार्च 2023 को सेना के गोला बारूद डिपो में ट्रेड्समैन मैट के पद पर ज्वाइन किया था और वे ले लद्दाख में आर्मी के गोला बारूद डिपो में तैनात थे। गोला बारूद डिपो में बम विस्फोट में 8 मई को नंदू सिंह घायल हो गए थे। उनके बाद नंदू सिंह को चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर सोमवार को नंदू सिंह ने अंतिम सांस ली। नंदू सिंह सूरजगढ़ कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ता के तौर पर भी उन्होंने संगठन का काम किया था। आज दिवंगत भाई नंदू सिंह शेखावत के लिए हमने आज धरना दिया, जिसमें हमने अधिकारियों से कई मांगे रखी, जिनमें से उन्होंने जैसे उनके ऊपर अनुचित अनुथराइज जो एफआईआर थी उसको निरस्त करने के लिए बोला गया, और साथ में जो नॉमिनी है जिन माता जी उनकी पेंशन के लिए जो अष्टावक्रीय पेंशन है उसकी उसके लिए सहमति बनी है, और जो अपना पैकेज है उसकी जो भी उसकी सुविधाएं मिलती है रूल के अनुसार वो सभी है देने के लिए सहमति बनी है, और वो हमें लिखित में भी मिल गया है, इसलिए हम क्या धरना हटा रहे हैं और हमारी सहमति बन गई। दो तीन दिन पहले लेह में एक एम्यूनिशन डिपो में हुए हादसे में हमारे यहाँ के छोटे भाई नंदू सिंह शेखावत का देहांत हो गया था। आज उनके परिजनों और ने जो मांगे थी उनके ऊपर यहाँ धरना दिया, साथ ही सरकार से और उनके सीओ से हमारी वार्ता हुई। वार्ता के बीच में हमारी दो तीन मांगे थी उनके ऊपर सहमति बनी। उनके सीओ ने बताया कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें नंदू सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं है, वो एक एक्सीडेंटल एफआईआर है। साथ ही उनके सीओ ने जो उनके परिजनों को मिलने वाले लाभ के बारे में सारी चीज़ें हमें लिखित में दी, और राजस्थान सरकार से भी प्रशासन ने एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से हमें अवगत कराया कि जो भी उनको जो जायज जो चीज़ें मिलनी चाहिए उनके लिए सरकार प्रयासरत करेगी। पहली मांग तो ये थी कि एक एफआईआर दर्ज हुई थी लेह में जो हादसा हुआ था, उसमें उनके परिजनों का कहना था कि ये एफआईआर नंदू सिंह के अगेंस्ट में हुई है, लेकिन जब हमने उनके सीओ से और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों से इनसे बात की तो उन्होंने लिखित में हमें दिया कि ये नंदू सिंह के खिलाफ नहीं है, ये एक एक्सीडेंटल एफआईआर। मुआवजे को लेकर उनकी माता के नाम से 9,000 रुपये प्लस डीए प्लस 1,000 रुपये मेडिकल अलाउंस पर मंथ उनको पेंशन देने के लिए उन्होंने सहमति दी है।
साथ ही उनको जो मिलने वाले लाभ है तकरीबन 90 लाख के आसपास का जो अमाउंट बन रहा है वो जल्द ही उनके परिजनों को दे दिया जाएगा। जो अपने सेसर संघ 41 ने फेड़ी जो है काम करते हुए नंदू अपना जो है अनसर्विस एलामिनेशन को विस्फोट के लिए जो है ड्यूटी मिला था उसी में जो है इसका जो हादसा हुआ है जो अनसर्विस एलामिनेशन जो डिस्पोज करते हैं हर एक जो है अनसर्विस एलामिनेशन होता है उसको फूका जाता है उसको रखा नहीं जाता है क्योंकि वो फिर अगले एलामिनेशन को वो नुकसान पहुँचाएगा यही ड्यूटी था उनका। बाकी जो इसमें नियुक्त ऑफिसर रहता वो भी वहीं थे और इनके जो JCI थे वो भी वहीं थे सब कुछ कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई अकेले को टास्क है टास्क एक टीम था पूरा जैसे लड़के थे नहीं नहीं वो तो बाद में हुआ है बहुत बाद में ये तो चंडीगढ़ जो है हॉस्पिटल में हुआ।